जैसा कि आपको पता है कि इंडिया में अब हम सभी लोग 5G इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं वही सभी यूज़र्स के इंटरनेट एक्सपीरियंस को बढ़ाने के लिए 5G को रोल आउट किया गया था और अब जो फोन आने लगे हैं मार्केट में वो भी 5G को सपोर्ट करते हैं लेकिन आपने एक कॉमन प्रॉब्लम देखी होगी जो आमतौर पर सभी यूज़र्स आजकल फेस कर रहे हैं और वो है इंटरनेट स्पीड जितना हमने एक्सपेक्ट किया था और हमें बताया गया था कि फ़ाइव इंटरनेट फोर जी की कंपेरिटिवली दस गुना फास्ट काम करता है लेकिन एक्सपीरियंस करने के लिए हमें ऐसा कुछ मिल नहीं रहा है हालांकि अभी इसमें काम चल रहा है और आने वाले टाइम में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जो फाइव जी स्पीड है वो और ज़्यादा बढ़ेगी और हम बहुत फास्ट तरीके से इंटरनेट का इस्तेमाल कर पाएंगे लेकिन आपको तो ये पता ही होगा कि आप अभी उन्हीं स्मार्टफोन्स में फाइव जी का इस्तेमाल कर सकते हैं जो फाइव जी इनेबल स्मार्टफोन्स होते हैं लेकिन कुछ ऐसे बेसिक टिप्स हैं जिनके जरिए आप अपने फ़ोन की इंटरनेट कनेक्टिविटी को भी फास्ट कर सकते हैं सो so ऐसे में ये मैटर नहीं करता है कि आप 4G चला रहे हैं फाइव आप अपने फ़ोन के थ्रू भी अपने इंटरनेट को थोड़ा फास्ट बना सकते हैं अगर आपको एक्सपीरियंस हो रहा है कि आपके फ़ोन में जो इंटरनेट है वो बहुत स्लो काम कर रहा है हालांकि ये बात तो बहुत जेनुन है कि 5G जो है वो 4G के कंपैरेटिवली काफ़ी फास्ट चलता है और इसके ज़रिए आप अपने सारे काम बहुत जल्दी कर पाएंगे सो हाय एम मोहिनी और आप देख रहे हैं एंड टेकेट और इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे बेसिक स्टेप्स बताऊंगी जिससे आपका जो इंटरनेट है वो फास्ट हो जाएगा साथ में आपका जो फ़ोन है वो भी और बेहतर तरीके से परफॉर्म करेगा जो सबसे पहली टिप है वो ये कि अपने स्मार्टफोन को एक बार रीस्टार्ट जरूर करें रीस्टार्ट करने से क्या होता है ना आपका फोन रिफ्रेश हो जाता है तो ऐसे में अगर आप 4G से 5G में स्विच कर रहे हैं या आपने फ़ोन में कोई नया रिचार्ज किया है या आपको लग रहा है कि इंटरनेट ठीक से काम नहीं कर रहा है तो एक बार अपने फोन को रिस्टार्ट करके देखें और आपको फील होगा कि आपका जो फोन में इंटरनेट है वो पहले की कंपैरेटिवली ज़्यादा अच्छे तरीके से काम कर रहा है तो उसके लिए सिंपली आपको अपने फोन का जो पावर बटन है उसको प्रेस होल्ड करके रखना है और उसको रिस्टार्ट करना है और उसके बाद देखेंगे कि आपका जो इंटरनेट है वो पहले के कम्पेरेटिवली और अच्छे से काम करेगा इसके साथ ही इंटरनेट को फास्ट करने की दूसरी और जो यूजफुल टिप है वो है आपके बैकग्राउंड एप्स फोन में हम ज्यादातर ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं और एप्स ही सबसे ज़्यादा डेटा यूसेज करते हैं तो ऐसे में हम बहुत सारे ऐप्स को ओपन रखते हैं और वो बैकग्राउंड में प्ले होते रहते हैं जिसकी वजह से आपका डेटा बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता है साथ में जो आपकी एप्स है वो ऑटो अपडेट पर रहते हैं चाहे आप उन्हें यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं लेकिन वो ऐप्स बैकग्राउंड में चलते रहते हैं जिसकी वजह से आपके फोन की जो बैटरी है वो भी ड्रेन होती है और इंटरनेट है उसका भी बहुत ज़्यादा कंजप्शन होता है तो उसके लिए हमेशा अपने फोन में चेक करके कि जितने का आप इस्तेमाल करना चाहते हैं या जो एप्स एक्टिव हैं, उनके अलावा अपने बैकग्राउंड में जितने भी ऐप्स रन हो रहे हैं उन्हें क्लोज कर दें। इससे आपको ये फील होगा कि आपका जो इंटरनेट है वो पहले का कंपैरेटिवली और ज्यादा फास्ट काम करेगा वही आपको पता होगा कि इंटरनेट का कर डायरेक्ट कनेक्शन होता है आपके सॉफ्टवेयर अपडेट पे आपने नोटिस भी किया होगा कि फ़ोन में बहुत बार नोटिफिकेशन आता है कि आपके फ़ोन में सॉफ्टवेयर को अपडेट किया गया है लेकिन हम क्या करते हैं ना उसको इग्नोर कर देते हैं लेकिन सॉफ्टवेयर अपडेट करना बहुत ज़रूरी है उससे क्या होता है आपके जितने भी ऐप्स वर्क कर रहे हैं उनको अपडेट किया जाता है और फ़ोन के बहुत सारे फ़ीचर्स को अपडेट किया जाता है सो अगर आप टाइम टू टाइम अपना फ़ोन अपडेट नहीं करेंगे तो उसकी वजह से भी आपका जो इंटरनेट है वो स्लो हो जाता है और अच्छे तरीके से काम नहीं करता है तो अभी तक आपने अपना सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं किया है तो तुरंत जाए और अपने फोन में अपना सॉफ्टवेयर अपडेट करें और आपको ये फील होगा जो आपके फोन की कनेक्टिविटी है वो पहले के कंपैरेटिवली और बेहतर तरीके से काम करती है एक और टिप है जिसके जरिए भी आप अपने इंटरनेट को फास्ट बना सकते हैं और वो है कैश फाइल्स ये ऐसी फाइल्स होती है जो आपके फ़ोन की स्टोरेज को बहुत ज़्यादा कंज्यूम करती है साथ में इंटरनेट का भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती है तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप अपने सारे एप्स की कैश फ़ाइल्स को जरूर क्लीन करके रखें इससे आपको दो फायदे होंगे कि आपकी स्टोरेज भी कम होगी और साथ में जो आपका इंटरनेट है वो भी अच्छे तरीके से काम करेगा तो ये तो है बहुत ही बेसिक से टिप्स जिनके ज़रिए आप अपने फ़ोन की कनेक्टिविटी को पहले से और ज़्यादा बेटर बना सकते हैं साथ में अगर आप इस्तेमाल कर इस्तेमाल करें तो आप 5G पे भी स्विच कर सकते हैं इससे क्या होगा आपको एक बेटर इंटरनेट कनेक्शन मिलेगा और साथ में इन सारे टिप्स को फॉलो करने के बाद जो आपका यूज़र एक्सपीरियंस है वो भी बहुत अच्छा होगा तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन यूज़र्स के साथ शेयर करें जिन्हें हमेशा इंटरनेट को लेकर दिक्कत रहती है या आपके फैमिली में ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो हमेशा नेटवर्क को लेकर बहुत परेशान रहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमें कॉमेंट सेक्शन में बताएँ अगर आपके पास भी इसी तरह की कोई टिप है और साथ ही हमारे चैनल एन बी को भी सब्सक्राइब करें